दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे जो कि MNX टाइप के जो कंडक्टर होते हैं उनकी रिपेयरिंग कैसे की, छोटे साइज या छोटे एम्पियर में आते हैं। दोस्तों यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के वीडियो बहुत ही कम YouTube पे उपलब्ध है या ऐसे वीडियो बहुत कम ही मिलते हैं जो छोटे साइज के MNX टाइप के कंडक्टर को रिपेयर करने के लिए बताया जाता है। दोस्तों इस वीडियो हम जानेंगे किस तरह से इसका रिपेयर किया जाए। सबसे पहले हम कवर को खोल लेंगे, ऊपर से जो दो पेच होंगे उसको अच्छी तरह से खोल लेंगे। चलिए हम खोल लेते हैं। दोस्तों ऊपर कवर हमने खोल लिया, अब इसको क्या करेंगे, इसके जो कीट है उसको निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसको ओपन करना पड़ेगा। इसके जो टॉप वाले भाग, टॉप का जो भाग है, ऊपर का हिस्सा है, उसको हटाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो दो जैक होते हैं इसके, उसको हटाना पड़ेगा। ये जैक जिसमें फंसा हुआ है हमारा ऊपर का कंटेक्टर पॉइंट, उसको हम क्या करेंगे, अलग करेंगे। तो इसके लिए हमें इसको आगे की तरफ थोड़ा सा फंसा करके खींचना होगा और ऊपर इसको धक्का देना होगा प्यार से। तो हम इसको ऊपर प्यार से धक्का देते हैं, दोनों तरफ करेंगे ऐसे करके, और ये अपने आप निकल जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, जो क्वाइल है कंडक्टर का वो अलग हो गया और जो कीट है वो अलग हो गया। अब जो ऊपर का कीट है उसको क्या करना होता है, हमें साफ़ करना होता है। तो हम क्या करेंगे, उसको अच्छी तरीके से निकालेंगे। अब इसको निकालने के लिए भी दोस्तों सोचना है कैसे निकलेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो जहाँ पर हम तार जोड़ते हैं जिस पॉइंट पे, उसको अच्छी तरह से खोल कर हटा लेना पड़ेगा। अर्थात जो पेच लगे हैं ना, जहाँ पर हम कॉइल तार जोड़ते हैं, जो हमारा पावर होता है वहाँ पर जोड़ते हैं, उसको सारे को हटा लेंगे। तो हम क्या कर दिए, इसको खोल लेते हैं, पेच को, सारे पेच को वन बाई वन करके खोल लेंगे। चलिए खोल लेते हैं, तेज़ी से खोल लेते हैं। दोस्तों इसे खोलना कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से हम खोल लेंगे। तो ये खुल गया। अब हम क्या करेंगे, अब कीट का अगला पॉइंट है जो है ये है, इस कीट को जो ये पॉइंट है इसको हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, बस टेस्टर से ऊपर की तरफ इसको खींचेंगे, आसानी तरीके से निकल जाएगा। ऐसे ही सारे निकाल लेंगे। ये कीट सपोर्ट है जो कीट को दबाए रखता है, ये कीट में ही आता है। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इसके अंदर कंटेक्ट, जो कंटेक्टर का जो पॉइंट है ये कीट, इसको हम निकालेंगे। इसके निकालने के लिए करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा दबाएंगे और उसको खींच लेंगे। उसमें स्प्रिंग से वो प्रेस किया गया होता है, स्प्रिंग से दबा हुआ है। तो पहले स्प्रिंग को थोड़ा सा उठा लेंगे और हल्का प्रेस करेंगे, हल्के से दबाव देंगे, तो आसानी से वो निकल जाएगा जो हमारा कंटेक्टर का कीट है, जो कि क्या करता है, एक दूसरे पॉइंट को जोड़ता है। तो केवल क्या करना है, हल्का सा दबाव देना और ये जो पत्ती है कंटेक्टर का वो निकल जाएगा। इसी को तो कीट, यही तो कीट है दोस्तों, इसी को साफ करना होता है और उसको साफ करके लगा देना होता है। तो हम कैसे कर रहे हैं, आसान तरीके से केवल प्रेस करेंगे वो निकल जाएगा। और वो निकल गया तो उसके बाद आसानी से ये जो कंडक्टर का पूरा पॉइंट था वो नीचे गिर जाएगा। इसी में क्या था, वो फंसा हुआ था। अब इसको हम अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। अब क्या करेंगे, जिस कीट, अब एक कीट का दूसरा पॉइंट है उस छोटे वाले जो जिसमें हमने पेच लगा हुआ था, उसको बारी बारी से खींच लेंगे बाहर, आसानी से निकल जाएगा। जो होल है ना उसमें पेचकस को थोड़ा सा दबाएंगे और आगे तरफ खींचेंगे, वो निकल जाएगा। ये जो आसान से निकल गया, ऐसे सारे निकाल लेंगे। कोई बड़ी चीज़ ना है, वन बाई वन करके सबको निकाल लेते हैं। इस तरह से फंसा कर निकालना है, हबड़ा नहीं है। ये जो देखिए कितना आसान तरीके से निकल जा रहा है। तो इस तरह से हम निकाल लिए सारे कीट को। अब कीट की क्या करेंगे, हम करेंगे रिगमाल से सफाई, क्योंकि इस पे क्या लगे हैं, जो कार्बन है वो जम चुका है
और कार्बन के जमने से कीट हमारा जो कंडक्टर था वो वर्किंग प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा था। इसके कीट कीट में जो कार्बन पकड़ने से क्या होता है कि जो हमारा कंडक्टर होता है वो अच्छी तरीके से काम नहीं करता है, वो उसमें से हमिंग साउंड आने लगती है। अगर उसमें मिट्टी धूल कर भी जम जाएगा तब भी हमिंग साउंड आएगी। तो सबसे पहले इस क्या करेंगे, कीट को अच्छी तरह से सफाई कर लेंगे, रेगमाल पर रगड़ करके प्यार से सफाई करेंगे, पूरा घिस नहीं देंगे हम, इतना साफ कर लेते हैं ताकि उसमें से जो भी कार्बन लगा हुआ है वो हट जाए। सारे कीट को हम साफ कर लेंगे जितने भी हैं। प्यार से साफ कर लेते हैं। अब सारे कीट हमने साफ कर लिया है और एक कंटेक्ट जो कीट को गार्ड दे रहा था ये भी कीट है, इसको भी साफ कर लेंगे अच्छी तरीके से। कीट को सपोर्ट करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये ना रहा है तो काम नहीं करेगा। अच्छे से हम साफ कर लेंगे कंडक्टर को, उसमें धूल कण कुछ हो तो उसको ब्लोअर मार के साफ कर सकते हैं, हवा मार करके या कैसे भी पोंछ पाछ करके उसको हम अच्छे तरीके से साफ कर लेंगे। हम अभी यहाँ पर ज़्यादा सफाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वीडियो बना रहे हैं तो हम उतना साफ करने में का टाइम नहीं, फिर भी साफ है अच्छी तरीके से। अब इसमें क्या करेंगे, जो नीचे वाला सबसे पॉइंट था उसको हम लगाएंगे, छोटी वाली जो कीट है उसको अच्छे से प्रेस करेंगे। इसमें फंसने के लिए पॉइंट होता है, वो आसानी से जग में आकर फंस जाता है, जैसे कि यहाँ पर ये फंस गया। सबको फंसा लेंगे और अच्छे से दबा देंगे, इसको प्रेस कर देंगे ताकि अगर कहीं बाहर निकला है तो अंदर चला जाए। होल मैचिंग कर जाना चाहिए बस दोस्तों, उसमें होल आसानी से वो फिक्स हो जाएगा, बढ़िया से लग जाएगा, कोई बड़ी चीज़ ना है, थोड़ा बाहर है तो उसको अंदर कर लेंगे, बरोबर कर लेंगे। इस तरह से अब क्या करेंगे, ये जो इसका मेन जो है इसमें हम क्या पत्ती लगाएंगे, तो पत्ती लगाने के लिए सबसे पहले इसको अंदर डालेंगे। अंदर डालने के जैसे निकाले थे इसको पहले थोड़ा खींच लेंगे, नीचे वाला पॉइंट में थोड़ा सा कार्बन आ जाता है तो इस कार्बन को भी हटा लेंगे। अगर इसमें कार्बन रहेगा तो हमिंग साउंड ज़्यादा आता तेज आता है, हमिंग साउंड ही है कंडक्टर में अधिकतर हमिंग साउंड इसी के चलता आता है। जो कॉयल जिसके अंदर कॉयल के अंदर जो हिस्सा रहता है उसमें अगर जंग रहेगा तो कॉयल बहुत से हमिंग साउंड की आवाज़ आती है क्योंकि ऊपर ऊपर तरीके से उसका काम नहीं करता, चुंबक की बल रेखा काम नहीं करती है, काम नहीं करता, फोर्स काम नहीं करता। आसानी से हमने इसको प्रेस कर दिया, अंदर चला गया। अब क्या करेंगे, थोड़ा स्प्रिंग को स्प्रिंग इसमें है तो स्प्रिंग को थोड़ा सा ऊपर दबाएंगे और उसमें जगह बनेगा और इसको प्रेस कर देंगे, अंदर चला जाएगा। कोई ज़्यादा इसमें ज़ोर ज़बरदस्ती की बात नहीं है, थोड़ा सा हल्का प्रेस करेंगे बस अंदर प्रवेश कर जाएगा। बस थोड़ा सा प्रेस करना है, प्यार से उठा करके हल्का प्रेस कर देंगे, बस चला गया अंदर। फिर दूसरा भी ऐसे ही करेंगे, लगाएंगे और प्रेस कर देंगे, बस ये भी प्रेस करने से आराम से चला जाएगा। इस प्रकार से तीनों को लगा लेंगे हम। जब तीनों लग जाए तो उसके बाद गार्ड को लगा देंगे, बस काम खलास। ये हमारा तीनों लग गया। अब इससे क्या होगा, ये कीट जो होगा आसानी से काम करेगा क्योंकि उसमें जंग था वो हटा दिया हमने, कीट सपोर्ट लगा देना है बस। ये गार्ड का काम करेगा क्योंकि इसी के अंदर को
स्पार्किंग होगा, स्पार्किंग को ये आग बाहर नहीं जाने देगा, ये आर्क शूटिंग का काम करेगा क्योंकि आर्क को उसी के अंदर रहने देगा, क्योंकि जब भी कंडक्टर लोड पे अचानक चलता है तो उसमें आर्क जनरेट होता है, मतलब चिंगारी चमकती है, उसको अंदर ही रहने देने के लिए चार तरफ से गार्ड लगाया गया है। अब इसके बाद हम जो पेच था उसको लगा देंगे। पेच लग गया। सारे पेच लगाने के बाद ये जो हमारा A1 A2 जिसमें लिखा है वो पॉइंट फिक्स कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, वो उसमें ऑलरेडी पॉइंट होता है जहाँ पर उसको करना है, दिख रहा है दो पॉइंट जिसमें जे किसका फंस जाएगा, फंसा लेंगे। अब ये काम हो गया, फिर अच्छे तरीके से इस वाले कॉयल में हम नहीं काम करेंगे, इस कॉयल को भी साफ़ कर लेना चाहिए, अच्छे से हवा मार देंगे, कॉयल के अंदर कोई गड़ा स्टॉपर हो तो भी हट जाए। अब ये साफ़ है तो हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, निकालना होगा तो ऊपर खींच लेंगे बस निकल जाएगा, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। स्प्रिंग रखेंगे, उसके ऊपर रख के इसको प्रेस कर देंगे ऊपर के पार्ट को, ये अच्छे से अंदर इन कर जाएगा। तो कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, अच्छे से प्रेस कर देने पर ये अंदर चला जाता है। अब ये काम करने लगा पूरा, अच्छी तरीके से सफाई कर ली हमने, अब इसको लगा भी दिया हमने, थोड़ा क्लियर साफ कर लेते हैं। हम यहाँ पर पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं बस सफाई करने के लिए, CRC जो CTC होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस पे हमने ऊपर का ये लगा देना है और पेच लगा देना है, काम हमारा क्लियर हो जाएगा। दोस्तों हम पेच लगा देंगे और हमारा कंडक्टर रेडी हो जाएगा, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए हमने पेच लगा दिया ऊपर कवर का और ये हो गया हमारा कंडक्टर रेडी। अब हम क्या करेंगे, इसकी थोड़ी सी सफाई और कर लेंगे, ऊपर से जो भी दिक्कत होगा उसे क्लियर कर लेंगे। तो ये हुआ हमारा रेडी। अब हमारे पास दो कंडक्टर हैं, दोनों का हमने दिखा दिया। ये दो कंडक्टर हम इस्तेमाल में लिए थे लेकिन ये ख़राब हो गया था तो इसको हमने रिपेयर किया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरह से MNX टाइप के छोटे वाले कंडक्टर होते हैं उसकी किट की सफाई रिपेयरिंग की जाती है, अगर नया हो तो गैस चेंज करेंगे। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय, सी यू अगेन।